हे गाइज वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त वरुण राजेश। और गाइज आज बड़ा प्यारा सा दिन है, हर बार की तरह आज फिर हम एक न्यू शूट पे जा रहे हैं। और शूट का एक न्यू चीज बता दूं कि इस बार जो कैमरामैन है हम खुद हैं, वीडियो डायरेक्टर जो है हम खुद हैं। जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी मैंने ये चीज नहीं सोची थी कभी भी कि जिस चीज को हम शुरू कर रहे हैं उसको हम कभी खुद लीड कर पाएंगे। लेकिन गाइज माता रानी की मेहरबानी से हमने अपनी जर्नी बहुत पहले शुरू की थी। और गाइज आज वो टाइम आ चुका है कि हमारे पास खुद के कैमरे पड़े हुए हैं, खुद हम शूट कर रहे हैं। और गाइज जो प्रोजेक्ट इस बार निकल के आएगा तो आप हमें बताना कि हमने कैसा शूट किया है। हो सकता है कि गाइज हम न्यू है, पहली बार मैं शूट कर रहा हूं तो थोड़ी बहुत बीच में गलती हो जाए तो उसके लिए माफ करना। लेकिन गाइज आज हमारा एक भजन का शूट है जिसमें जोशील है और बड़ी सारी पार्टी हमारे साथ है तो उनके साथ भी आपको मिलाऊंगा। लेकिन गाइज आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। और मुझे पता है कि आप काफी दिन से मैं मतलब यूट्यूब पे एक्टिव नहीं हूँ, अपने फेसबुक पे नहीं हूँ, इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ। लेकिन गाइज अब मैं हर टाइम एक्टिव रहूंगा, हर टाइम नहीं मतलब अब एक्टिव रहने वाला हूँ। तो गाइज आज का व्लॉग फिर से शुरू करते हैं। और इस व्लॉग को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आपको। और गाइज आज का व्लॉग करते हैं फिर से शुरू। अभी हम यहाँ पे पहुंचे, यहाँ का एक सीन निकाल रहे हैं तो उसके बाद हमने और ऊपर की लोकेशनें देखनी है। लेकिन जो हमारा अभी का सीन निकल रहा है ना तो यहाँ पे निकल रहा है तो अभी चेक कर रहे हैं कि सीन कैसा निकल रहा है कैसा नहीं निकल रहा है। इसके बाद हम दूसरी वाली लोकेशन को पकड़ेंगे। और बहुत सारे लोग हैं जो हमारा साथ दे रहे हैं शूट के साथ, हर एक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गाइस मैं जहाँ पे जा रहा हूँ ना वहाँ पे आउटस्टैंडिंग जगह है, चलो मैं आपको दिखाऊंगा व्लॉग में बने रहे, स्किप बिल्कुल ना करें। देखो हमारी फैमिली देख रहे हो ना गाइस, कितनी बड़ी फैमिली है और काफी लकी पर्सन है हम, जहाँ पे भी निकलते हैं जहाँ पे भी जाते हैं ना। तो खाली कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए साथ में रखा है देखो कोल्ड ड्रिंक हमारे साथ है, कैमरामैन हमारे साथ है, सारे पर्सन। और इस भाई का बड़ा सारा प्यार रहा क्योंकि काफी ज्यादा सपोर्ट की इन्होंने, कल से हमारे साथ ही हैं और अपना काम छोड़ के हमारे साथ चल रहे हैं और काफी ज्यादा मजा आने वाला है। गाइज बने रहे हमारे साथ। इसी हम चढ़ाई चढ़ रहे जा रहे हैं ना तो चढ़ाई चढ़ते चढ़ते आगे आगे बढ़ रहे हैं जैसे हम, तो वैसे ही हमारे साथ और ज्यादा लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो काफी सारे लोग जुड़ रहे हैं, काफी ज्यादा मजा आ रहा है। क्या बोल रहे हो आप, क्या बोल रहे हो दोबारा बोलो, मतलब आप क्या बोल रहे हो कि मक्की लेनी यहाँ से? मैं बोल रहा हूं मक्की लेके ऊपर खाएंगे, उनके बड़ा मजा आता है। मामा जी अगर आप यहाँ से मक्की लोगे ना अपने लिए, अगर आपने किसी को भी दी, मैं कसम खा के कहता हूँ अगर किसी को दी मैंने फेंक देनी है सारी। मामा जी आप मक्की लो, एक ही लोगे आप खुद खाओगे, ठीक है ना? क्योंकि आप ये भी उठा सकती हैं, एक एक सारे ले चलो। नहीं ये नहीं है, अगर मक्की खानी है तो मक्की अपने अपने लिए ले चलो। थोड़ी रिक्वेस्ट करेंगे क्योंकि तब तक कुछ बंदे आगे निकलते हैं और आगे शूट करते हैं। पहले हम मुझे ये बताओ जब आप घर से निकले थे अकेले थे आपने उम्मीद की थी कि इतने लोग हमारे साथ होंगे? मैं हर बार वही बोलता हूँ ना, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि यार मेरे साथ इतने बंदे होंगे और इतने बंदे अभी जुड़ चुके हैं। एक क्वालिटी बंदे को दुनिया चाहती है, नहीं चाहती तो चाहती है लेकिन फेमस हो गया हमारा भाई और इसको इतनी सपोर्ट करो मेरी तरफ से, जो मेरे व्यूअर हैं जो मेरे मुझे देखने वाले मेरी जनता है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा भाई का सॉन्ग मतलब नवरात्रि से पहले पहले ही आ जाएगा, यहाँ पे शूट आज चल रहा है तो जितनी सपोर्ट कर सकोगे आप तो भाई का करना। तो आगे नेक्स्ट फिर दूसरा बजट ये पेश करेंगे आपके सामने, अगर इनका अच्छा बजट होगा इस गाने में तो फिर नेक्स्ट, क्योंकि हम लोग जो हैं बहुत मेहनत से बनाते हैं क्योंकि इतने पैसे वाले तो हैं नहीं हम के एक के पीछे गाना निकालें, बहुत मेहनत करके बहुत फोकस कर करके हम अपनी लाइफ में थोड़ा कुछ एंजॉय लाते हैं। मगर इस बार हमने भजन का सोचा, मेरे भाई ने बहुत ही अच्छा भजन है, बढ़िया। अच्छा व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि आप अगला भजन करोगे या गाना करोगे? नहीं अभी मेरा कोई प्लान नहीं है, मेरी ऐसी कोई सोच नहीं है। गाइज सच बताऊं ना, बंदे की पेमेंट भी बढ़ गई है यूट्यूब की, बंदे के पैसे भी आ गए यूट्यूब के। कंजूस देख रहे हो ना आप इनको, गौर से देखो गाइज कंजूस बंदा, पैसे पड़ गए हैं। कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाई, हाँ कोल्ड ड्रिंक तो छोड़ो, पिलाई अभी वो स्मूथ पड़ा है हमारे पास बॉटल है बड़ी, वो नब्बे वाली वो मैंने पिलाई। ये नहीं बंदे ये मुकुल एक डॉलर खाया, $1000 की पेमेंट, $1000 की पेमेंट भी एक डॉलर खाया। और गाइज इतनी पेमेंट इस बंदे को हुई है कि एक ही टाइम में ये दो फोन ले सकता है, इतनी पेमेंट हुई है इस बंदे को। गाइज इतना भी नहीं, आप सोचना आप लोग इतनी नॉर्मल हुई है, कुछ इतना नहीं हुआ, कोई बात नहीं। नेक्स्ट हम भी निकालेंगे भजन, अगर आप लोगों का प्यार जुशील को आप लोग प्यार दोगे तो नेक्स्ट मेरा वादा है कि मैं भजन निकालूंगा। अगर जिशील को प्यार नहीं दोगे आप लोग तो मैं भजन के लिए सोचूंगा नहीं कभी। सो अभी हम जंगलों के बीचों बीच जा रहे हैं, मेरे पीछे भी देखो, इस साइड भी देखो, जहाँ पे आपकी नजर जाएगी ना वहाँ पे जंगलों, और यहाँ पे आगे थोड़ी सी जगह मिली है जहाँ पे अभी मेरा शूट होने वाला है लेकिन हालत खराब हो गई है, बैटरी डेड हो गई है, मतलब मेरी हालत खराब, मतलब कहने का मतलब ये कि काफी ज्यादा चढ़ाई, ऊपरी ऊपर रास्ता है ना बिल्कुल, जंगलों के बीचों बीच है। चलो यहाँ पे थोड़ा सा शूट कर लेते हैं फिर यहाँ से भी आगे चलते हैं।
चलो अभी हमारी पार्टी जो है ना दूसरे शूट के लिए तैयार हो रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी ऐसी जगह पे हम जाएंगे और शूट करेंगे। और एक और पर्सनल बात कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं खुद शूट करूंगा, ये चीज़ मैंने लाइफ में कभी नहीं सोची थी, लेकिन आज वो दिन है कि आज मैं वीडियो डायरेक्टर खुद हूँ और खुद ही शूट कर रहा हूँ। सो गाइज यहाँ पे भी हमने क्लिप वगैरह निकाली, तो यहाँ से अब निकलते हैं ऊपर के लिए ना। तो गाइज अभी ना ऊपर चढ़ रहे हैं तो सांस भी चढ़ रही है, तो जितने भी सिंगर हमारे साथ हैं तो इनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि गाने वगैरह लगा के हमारा थोड़ा सा इंटरटेन, हमें इंटरटेन करें और धीरे धीरे हम ऊपर भी चढ़ जाएं। तो प्लीज सैली हो कनक पके दाने हो, रोज बरोज किने पाने लाने हो, गोरे बमुए निके निके दाने हो, रोज दीदे मुलग कुनी पाने हो, बैला दिल मेरे कने लाया है, कचो मेरा दिल तरसाया है, बैला दिल मेरे कने लाया है, कचो मेरा दिल तरसाया है। गाइस काफ़ी ज़्यादा इंटरटेन होते हैं हम जब ऐसी ऐसी लोकेशन पे जाते हैं ना, तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अभी हमारे साथ जुड़ के रहो और पता ही नहीं लगेगा, जितने दूर भी जाएंगे ना हम पता ही नहीं लगेगा, मैं जल्दी ही पहुंच जाएंगे हम। गाइस यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ पे देखो रास्ता कितना अच्छा। जोशी जी क्या बोलना चाहोगे इस रास्ते के बारे में? यार गाइस आप देख सकती हो कि बंदे खुद डिजाइन किया हाथ में। हाँ होती है। हाँ आपका क्या कहना है? मेरा कहना है देखो भाई साहब, ये जो हमारे इधर से दादा बद्री, अच्छा ये जो संतोष है हमारे इसके दादू थे, अच्छा उन्होंने यहाँ पे एक सर्वा किया था। सर्वा किया था इस टाइप का ये होना चाहिए यार, किसी के दिमाग आजकल के लोगों के दिमाग में नहीं आता, वो बहुत सैने बुजुर्ग थे। अच्छा और साथ में संतोष ने बड़ी हेल्प की थी। संतोष ने उस टाइम कैसे हेल्प की थी? संतोष होता जाता है अपने दादा सर, बहुत हेल्प करता है इसको, ऐसे करो सूत्र लगाने बहुत हेल्प करता है। संतोष जी आपने किया था हेल्प? मैं आपको जूम कर रहा हूँ बताओ। गाइस इनके बीच ना लड़ाई हो गई है, ये एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, यहाँ पे पता नहीं है ना किसका किसने डिजाइन किया, ये एक दूसरे को पंग। अच्छा सो लेकिन गाइस मजाक रहा, मजाक की जगह देखो डिजाइन किस मतलब कितना बेहतर किया हुआ है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। गाइस कभी नहीं सोचा था कि ऐसे ऐसे पहाड़ों में जाके, देखो बस कर गाइस देखो ना खाना क्या गाइस, ये तो कितना लकी है, तू जूस कितने यार खान छपा रहे थे खाना। ना ना कोई नहीं। तो गाइस चोपड़ा नहीं बनते गाइस, चोपड़ा अंदर गोरू है, चोपड़ा अंदर छा अंदर है, छा नहीं लस्सी ओरे ओरे दिस ओरे दिस। ओए मैं क्या कह रही हूं, देखो गाइस हम पता कहां पे अभी जगह यहां पे प्रिंट हम अभी ऐसी जगह पे, प्रिंता भी यहाँ पे तीसरे या चौथे दिन पर मारता है, लेकिन गाइस ये देखो गाइस रियल चौपड़ इसकी प्राइस लेस है, इसकी कोई कीमत नहीं है गाइस यहाँ पे। अगर कोई बंदा इसका 1000 रुपया भी यहाँ पे देना, 200 रुपए की मैं कहता हूँ, अगर 2000 रुपया भी यहाँ पे देना तभी नहीं मिलती है गाइस, ये मिल ही नहीं सकती, नहीं मिलती है मैक्सिमम ना ये पहाड़ों पे मिलती है, जो मैक्सिमम पहाड़ पे लोग जाते हैं ये देख सकते हैं ना, इनके ऐसे घर वाले जो लोग होते हैं उनके पास मिलती है। तो गाइस एक बात बता दूं, ये दो बंदे इतने पुखड़ हैं जिनको बोलते हैं हम अपनी भाषा पुखड़ बोलते हैं, ये जब से खाना खा तब से लड़ रहे हैं। ये देखो ये देखो ये असूल होता है बंदे का खाने का तरीका कैसे होता है, ये मक्खन है, उस आलू है, लस्सी है, ये देखो सब्जी मटर की सब्जी आलू है। मेरा खाना पैक है अभी, मेरे पीछे कोई पड़ा अगर मैं दादी नहीं। ये देखो हमारा अभी एक खाना और भी पैक है, ये पैक सिंपल रख यार, दो मुझे ब्लॉग करने शूट यार। तो ये इसमें खाना पहले का पैक किया हुआ है, इन्होंने लाया है, ये मामा जी ने लाया था यहाँ पे, ठीक है ये देखो देखो दोस्त देख रहे हो ना आप, इन खूबसूरत पहाड़ियों में पहुंचे हम, हमारी टीम कुछ आगे जा रही है, देखो कितने खूबसूरत पहाड़ हैं चारों साइड, जहाँ पे आप नजर देखो ऐसी पहाड़ी ही पहाड़ी हैं, और जो हमने जाना है इस टॉप पे जाना है यहाँ पे हमने,
कुछ टीम यहाँ से आ रही है, ये रास्ता था, तो अब हमें सीधा ऊपर चढ़ना है, तो थोड़े टाइम के बाद हम पहुँचने वाले हैं। ना सबकी बैटरी जितनी भी है ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ एक बंदा जोशील और मैं बचे हैं, बाकी जितने भी देखो गाइस, ये देखो नहीं गाइस, मेरे पास बैग है, मेरे पास टोपी है, मेरे पास मोबाइल है, ठीक है ना, तो देखो बाकी सारी बैटरी खत्म होगी। गाइस बाहर सब हमने उठा, पानी, बैग और जितना सामान देख रहे हो सभी हमने दोनों बंदे उठा के लाया, खाली नहीं चल पा रहे, प्रॉब्लम नहीं है। बाकी पीछे देखो सारे कैसे सोए हुए हैं, और ये तो लास्ट कह रहे हैं भाई यहाँ पे शूट करो, यहाँ से हमने ऊपर जाना ही नहीं है, और हवा इतनी ज्यादा देखो पार फूट रहे हैं अभी, है ना भाई, लेकिन हमने इनको ऊपर ले बच चुके हैं, और अभी शूट हमारा 6 बजे चलेगा ऊपर। भाई उठो 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 उठो, हेलो उठो भाई, यार बाहर हमने लाया था काम के कसम से। सो गाइस देखा क्या बनेगा इनका, सबकी बैटरी खत्म हो चुकी है, सिर्फ हम ही बचे हैं, लेकिन अब ना हमें जाना है, मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ जाना है, अभी ऊपर जाना है इस वाली जगह पे ना, क्लियर नहीं आ रहा, मैं दिखाता हूँ आपको। अरे हमने कितना बार उठा के लाया मैक्सिमम भाई, मुझे लगता है 5 kg, आपने 5 kg, मैंने 10 kg, और इनको देखो खाली नहीं चल पा रहे हैं, ठीक है। तो गाइस चलो चलते हैं यहाँ से ऊपर, तो हमारी जो मेन लोकेशन है पहुँचने वाले हैं बहुत जल्दी, तो चलो यहाँ से चलते हैं ऊपर, लेकिन हवा काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों एक बार व्यू चेक करो, देख रहे हो ना, ओहो क्या बात है यार। फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं, और मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हो ना आप, कितने प्यारे प्यारे पहाड़ हैं, और गाइज सोचो कि आप ऐसी ऐसी जगह पे ना कितना अच्छा शूट रहता है। अब तो हम पहुंच गए अपनी फाइनल लोकेशन पे पहुंच गए हैं, सिर्फ 2 मिनट के बाद, पूरे 2 मिनट के बाद हम अपनी लोकेशन पे पहुंच जाएंगे, लेकिन जो मेन चीज़ है ना, इतना कष्ट और इतनी मुश्किल, और सुबह से कंटिन्यू 4 घंटे चलने के बाद कुछ इस तरह का व्यू नज़र आया। कहते हैं कि एक बड़ी अच्छी जगह जाने की, कहते हैं कि एक अच्छी जगह को देखने के लिए काफ़ी मुश्किलें आती हैं, लेकिन बाद में जो रिज़ल्ट आता है ना, तो रिज़ल्ट देखो गाइस आपके सामने, और फ्रंट वाली साइड आपको मैं दिखाता हूँ जहाँ पे हम आना चाहते थे ना, वहाँ पे पीछे देखो गाइस ढलान है, तो अच्छा है बैकग्राउंड में भी। फाइनली गाइस हम पहुँच गए हैं, तो हमारी जो फाइनल लोकेशन थी तो यही भी है, अब हमने यहाँ पे शूट करके यहाँ से वापस चला जाना है। सो हमारी जो फाइनल लोकेशन थी कुछ इस तरह की थी, और इस जगह का नाम है सरोली, और कुछ दिनों के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा श्रद्धालु यात्रा मेला होगा, तो हम पहुँच चुके हैं फाइनली ऊपर। तो लोकेशन एक बार चेक करो यार, व्यू चेक करो, देख रहे हो कितना प्यारा है। दोस्तों वो वाली जगह देख रहे हो ना आप, ये वाली जगह, हम यहाँ से सुबह आते हुए ऐसे 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 और फाइनली यहाँ पे पहुँचे हैं, और यहाँ पे देखो मंदिर कितना प्यारा मंदिर लग रहा है, और हमारे थोड़े साथी आ चुके हैं, तो थोड़े साथी अभी आ रहे हैं क्योंकि काफ़ी दूर था ना, तो जो हम आए ना, हम जो सुबह शूट किया हमने, जो वो वाली लोकेशन दिख रहे हो ना, यहाँ पे हमने शूट किया, फिर वहाँ से वहाँ आए, फिर ऐसे 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 सीधा ऊपर पहुँच गए, तो अभी दरबार में पहुँच चुके हैं हम। तो फाइनली माता रानी के यहाँ पे हमारा शूट था, काफ़ी ज़्यादा शूट किया हमने, काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया, डांस किया हमने, बड़ी सारी चीज़ें की यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा जितना भी शूट था फाइनल हमारा शूट ख़त्म हो गया। तो अब जोशील जी जो है ना पैकअप कर रहे हैं, अपना सामान वगैरह बांध रहे हैं, तो अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं। गाइज एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हमारे भजन को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, और हम बहुत ही जल्दी इसको रिलीज़ कर देंगे, सिर्फ एडिटिंग करना बची है, बाकी हम बहुत जल्दी हम इसको अपना यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देंगे। गाइज काफ़ी ज़्यादा प्यार दें तो कोई बात नहीं, हम आपके लिए और भी अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट ले आएंगे, लेकिन आपको क्या है कि प्यार दिखाना है।
फाइनली गाइज अब हमारा यहाँ से जाने का टाइम हो गया है और सभी अभी अपनी पैकिंग करके लास्ट फोटो शोटो जो शूट कर रहे हैं ना वो कर रहे हैं। तो मैंने भी अपना बैग उठा लिया कैमरे वाला, अपना कैमरा शैमरा सब पैक करके हवा देख रहे हैं गाइज। ये देखो उठ से रहे हैं, अब मैं ऐसे रखूँगा ये दोबारा पीछे चले जाएंगे, पीछे मैं ऐसे रखूँगा फिर से दोबारा चले जाएंगे, इतने भी है ना लोग। तो वो आ रहे हैं तो मैं भी यहाँ से जल्दी जल्दी निकलता हूँ क्योंकि यहाँ पे हवा है, तो वो भी अपने अपने आ रहे हैं अब क्योंकि जाने का टाइम है ना। आते टाइम तो हम सब साथ थे लेकिन जाते टाइम क्या होता है कि सब अपने अपने भागते हैं। तो सो गाइस चलते हैं, यहाँ का व्यू यहाँ की ब्यूटी कैप्चर करके अब निकल रहे हैं हम अपने घर के लिए सीधा। होप आज के व्लॉग में आपको मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। और आपको एक और चीज़ मैं बता दूं, अब मैं आपको वीडियोस टाइम टू टाइम देते रहूँगा, अपडेट देते रहूँगा और कंटिन्यू व्लॉग शूट करेंगे। सो फाइनली गाइज बाय बाय, मिलते हैं न्यू व्लॉग में।